हमारे इस चैनल मैथिली गंगा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। संभाल करके ले जाना, मैं शिव मंदिर के पास बैठती हूँ। ठीक है, मैं वैसा ही जाऊंगी। चलो भाई रमनंदन। जंगी महाराज, गोबादी ने गई यहां से मेरे साथ वादा करके कल सुबह 8 बजे मुलाकात कराऊंगी, अभी तक वो नहीं आई। जंगी महाराज, कुछ देर इंतजार कीजिए, वो अवश्य आएगी। अरे कितने देर इंतजार करो, कुछ देर इंतजार कीजिए। वादा करके गई मेरे साथ वो बादी, अभी तक नहीं आई लौट कर। जय हो। वादा वादा होता है, वादा वादा ना होता है। आके गोर लगे छी। हमरा गोर लगे छी? ठीके में हाँ गोर लगे छी हमरा। तामु आशीर्वाद दे छी। आशीर? हाँ आशीर नाय, आशीर्वाद नीके रहू, नीके रहू। सुनो एक पत्र है। पत्र है? हाँ भाई रमनंदन। जंगी महाराज, ये फरमाना कौन दिया है? बोलेगी रानी सोना। रानी सोना, रानी सोना ने फरमाना लिखकर भेजी है, जरा इसे पढ़कर सुना दो भैया, क्या लिखी है? क्या ये फरमाना? जंगी महाराज अब गौर से सुनिए, यह फरमाना में क्या लिखी है रानी सोना। अच्छा। वो अलग बलग सिरी नमा बांदगी, बीच में जो लिखा बारा जो बिरोग, बारा बिरोग है देवर मुदल की। सात सलामी नौठ मजरा, देवर सुना मोह बाबा, लपाती हो परत में देरी न बिताइया। अच्छा, और सही बात है, और कुछ है? लजाते हैं। कौन लजाते हैं? आप पढ़े हैं? ऊंट पढ़ाए उनसे तो वो नहीं बोले कि हम नहीं पढ़े। यहाँ के बाबू जी न पढ़ाए लग, खूब पढ़ा लग। अरे ये वेद का मालिक है तो किससे पढ़वाऊं? हाँ, और अक्षर पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। भूल गए हैं क्या? इसमें तो लिखा है क्या, जो मर्द का बेटा उदासीन होगा? वो हम नहीं, इसमें लिखा है। इसमें क्या इसमें लिखा है? तो फिर सुनाओ आगे। भाभी सोना लिखी है, जो मर्द का बेटा उदल हो। रोही बात। इसमें लिखा है, इसमें इसमें
इसमें लिखा है जी। अच्छा, और नागिन सोना लिखी है, मर्द का बेटा उदल होगा चढ़ के आवे सी मंदिर के पास, मौगी का बेटा बस देवर होंगे वापस जाए मोहब्बाराज। ताना दिए ताना, क्या ताना की बातें लिखी है। हाँ। और वो गाली देकर फरमाना भेजी है जी। इतनी बड़ी हिम्मत, कोमरे का बतिया उदल नहीं है, आंगली दिखाने से गल जाए। आप लेट नहीं कीजिए, सुन चलिए तीनों आदमी। भाई नंदन जंगी महाराज चलो देखे है, चलो कहाँ चले, शिव मंदिर देखे है ना। कौन जा रही, इसको कौन विश्वास है, रास्ता छोड़ देगी तब। क्या रास्ता छोड़ेगी ये? हाँ चलिए, मंदिर को तो ऊपर त्रिशूल होगा। हाँ वो तो फट दूर से ही दिखाई देगा, दिखाई देगा। चलिए क्यों नहीं, चलो चलिए। बहुत प्राय सुनती हूँ, पीर का पदवी पाए हुए हैं, इसलिए करके उनसे परीक्षा लेना चाहिए। मैं जादू से 80 मन का पत्थर बना करके मंदिर के मुख फाटक पर रख देती हूँ और उस पर लिख देती हूँ, देवर जी ये 80 मन का पत्थर है, इसको उठा करके इस जगह से दूसरे जगह रख दीजिए, अगर ना उठे तो उल्टे कदम अपलोड करके चले जाइए। साथ तह फाटक के भीतर सोना बैठी है सखी सहेली के साथ, सातों तह फाटक न तीर से न कमान से न भाला से न बर्छी से, सिर्फ एक पांव के इशारे से सातों तह फाटक खुल जाना चाहिए। इतना काम कीजिए तो सोना से मिलिए, नहीं तो उल्टे कदम लौट करके मोहब्बा चले जाइए। बैठती है सोना हो मंदिर के पास, बैठे साता बराती शिवा मंदिर, जय मां दुर्गा। किधर है मंदिर, किधर है मंदिर? वैसे नहीं होगा। कैसे? ढूंढने से मिलेगा। क्या ढूंढने से मिलेगा? हाँ सुनिए, आगे आगे चलिए जंगी महाराज, आगे एक ही ओर जाएगा, एक ही ओर मत जाइए। अच्छा महाराज आप इधर जाइए। अच्छा, और पंडित आप इधर जाइए। ठीक है मैं भी जा रहा, बाकी जो है हमारे साथ आइए। ऐ सुनो, क्या बाकी कौन रहा? जवान तो तीन है, खोजेंगे चारों तरफ। इधर जाइए, एक उधर जाइए, और बाकी मेरे साथ, बाकी कौन रहा? ओ कोई नहीं है, कोई नहीं। ठीक है तीन ओर चलिए, तीन ओर, एक ओर आएगा तो सब चलेंगे। ठीक है खोजिए। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। मिल गया, कहाँ है? यहाँ है, पॉकेट में है। पॉकेट में मंदिर है, तो कहाँ है? देखिए, नहीं देखते आप? नहीं, दिमाग नहीं है तो ब्रेंड से काम कीजिए महाराज। दिखाओ किस ओर में है। अकल नहीं है तो बुद्धि से काम कीजिए। आंख नहीं है, देखिए उमहर नमहर, नमहर शिवाय, नमहर शिवाय। नमहर शिवाय नहीं तो फिर नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाँ। यही त्रिशूल है बाबा का, मंदिर का है। हाँ, यही मंदिर है। तो मंदिर में आने जाने की रास्ता किधर से है? इधर से है, इधर से। फटक लगाओ, फाटक लगा हुआ। और ये क्या चीज है? क्या है? पहले साईं बहु में देखिए। साईं बहु
तो फिर साइन बोर्ड, वो वही साइन बोर्ड। अरे ऐसे न कहो, साइन बोर्ड साइन बोर्ड साइन बोर्ड। हाँ, इसमें लिखा है क्या? क्या लिखा है? क्या लिखा है? सुनाओ परकर। हम ही भरा। क्या लिखा है? हाँ देखो परकर क्या है इसमें लिखा है। क्या? जो देवर जी आपकी भाभी सोना लिखी, भाभी ने लिखी। हाँ अच्छा, देवर जी यदि मैं सुनती हूँ, अच्छा, जो आप एकाबलो राज में वीर का पद लिए हैं, अच्छा, सबसे बढ़कर के राजा कहलाते हैं, बलवान कहलाते हैं, अच्छा, यदि आप वीर बलवान हैं, वीर का पद लिए हैं, अच्छा, सबसे बढ़कर के राजा कहलाते हैं, बलवान कहलाते हैं, अच्छा, यदि आप वीर बलवान हैं, तो 80 मन का पत्थर है, 80 मन का पत्थर है, ये चक्र है, अच्छा, ये चक्र आप उठा करके मंदिर के आगे से, अच्छा, बगल में रख दीजिए, उठा करके, उठा कर, तब मैं समझूंगी आप बलवान है। अरे ये छोटे सी पत्थर की टुकड़े की तिलाका लिखी, नहीं तो वापस चले जाइए। हैं? वापस चले जाऊंगा यहाँ से नीलन। हाँ। मैं क्या जाऊं उस पत्थर की छोटे सा टुकड़ा है, क्या मैं उसे हाथ लगाऊं? जाओ उसे पत्थर की टुकड़े उठाकर फेंक दो। हम फेंके? हाँ महाराज, ये पत इतना, इससे बड़ा बड़ा पत्थर से हम लोग, हमारे यहाँ तो महब्बा में लोग ये हरदी पीसता है मसाला। हाँ इसलिए तो मैंने कहा हूँ फेंक दो उठाकर। नहीं इनसे फेंकवाइए ना। कौन? मिलन जी। हाँ आप फेंक दीजिए इसको। हाँ नहीं उधर को। हाँ देखो फेंक दो उठाकर। अरे क्या हुआ? बहुत डबल हुआ। क्या डबल हुआ? जब डोलता नहीं है पत्थर तो हिलेगा कैसे महाराज? ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तुमसे नहीं उठा, तीन बार नहीं डोल रहा है, हिलेगा कैसे? ठीक है मैं इसे उठाकर फेंक दूंगा। थाम लो भगवती। जय माँ भवानी, जय माँ कालिका, जय माँ माया, जय माँ महामाया, साखी रहेगी माँ। जय भगवानी, जय भगवानी, जय बेनीपट्टी बेहटा भगवानी, जय मधुबनी जिला। अरे भगवानी, जय भगवानी, भगवान कहो। ओ वही बात। हाँ लोग मर जाएगी। मंदिर तो चूर चूर कर दूंगा। कहाँ फेंकना चाह रहे हैं? इस मंदिर पे फेंक दूंगा। ए? मंदिर पर? हाँ। नहीं महाराज, पहले बगल में रखिए, बगल में, बगल में, बगल में रखिए, इसके बाद ना मैं समझाऊंगा आपको। ओ कहाँ फेंक रहे थे ये तो कहिए। ये मंदिर पे देखिए, इसीलिए मैं कहता है, कह रहा हूँ तो आप कहते हैं जो एक कहता है, ये क्या? इसीलिए मैं कहता है तो कहते हैं जो कहता है। पागल हो गया क्या? पागल नहीं महाराज, दिमाग खराब हो गया क्या? आपका खराब है क्या? आप क्या सोच करके मंदिर पर फेंक रहे हैं? आपको समझना चाहिए कि मंदिर के अंदर, अच्छा, 700 सहेली के साथ भाभी सोना पूजा कर रही है। क्या इस मंदिर में? मंदिर में यदि अच्छा। आप मंदिर पर फेंक देते हैं इसको, अच्छा, मंदिर चूर चूर होकर के नीचे गिर जाएगा। अच्छा, जितने नारी है सब मर जाएगी, साथ साथ भाभी भी मर जाएगी, आए हुए सब व्यर्थ हो जाएगा। सही कहा तुम, है ना? सही कहा। आप फेंक रहे थे, सही कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ तो कहते हैं जो कह रहा है। चलिए और कोई प्रतिज्ञा है? हाँ चलिए। ओहो फिर लिखी है क्या? तीन भाषा है, तीन भाषा। क्या भाषा है? नेपाल मा भैनों को छ, मारे नेपाली भाषा में है ये, नेपाली। हाँ पहाड़ी भाषा में है, बेगा ढीला में बाइक ढाईला। अच्छा, और इंग्लिश में लिखी हुई है क्या? ओ ब्रदर्स डू नॉट मेक नॉइज। ब्रदर माने भाई। अच्छा, हल्ला शांत कीजिए। अच्छा अच्छा, और इंग्लिश फिर हिंदी में लिखी है कि देवर जी सात फाटक के अंदर मैं 700 सहेली के साथ पूजा कर रही हूँ। सात फाटक के अंदर? अंदर। अच्छा, यदि आप हमसे मुलाकात करना चाह रही है, चाह रहे हैं तो आप
न बाँ से, अच्छा न सीना से, अच्छा न तलवार से, एक ही पांव की इशारा से। टूटना नहीं है, खुलना है। खुलना है, आइए हमारे पास। टूटना नहीं है, हाँ तो ठीक है, ऐसे भी खोल दूंगा। तब मुलाकात कीजिए। हाँ खोलिए। ये सब क्या हो रहा है पंडित है? क्या हो रहा है? अरे मारो, ये क्या हो रहा है? क्या क्या किया? अरे ऊपर ऊपर जाओ। अरे पहले सुन, पहले सुने की तरफ तो पहले सुनो ना भाई। औरत की जात बहुत। ये बताइए आप क्या कर दिए? क्या कर दिए? जादू लगा दिए। क्या कर दिया है? हम क्या किए हैं? हमारे महारानी साहब को आप खत्म कर दिए। तुम्हारी महारानी को हम खत्म किया? हाँ। महाराज को कौन खत्म कर दिया? महाराज को कैसे होगा ये बताइए? बताइए तो तुम मारना शुरू कर दिया, मारते मारते हमको बदन फुला दिया। हम फुला देंगे तब? जल्दी बताइए नहीं तो मार। सीधे मारना ही आती है तुमको? तुमको मारने से हमको कुछ नहीं होगा। एक चोट हम मारेंगे तो बाप बाप चिल्लाओगी तुम। हाँ सुनो महाराज। हाँ, पंडित बोलो, ऐसे क्यों हुआ? जैसे ये दोनों का सूरत टकराने से। हाँ, और दोनों मूर्छित हो गया। नहीं, बात तो सही हुआ इसमें, लेकिन ये हुआ, ये राजकुमारी सोना सुनती थी जो उदय चंद्र 9 गज लंबा और 6 गज चौड़ा है। 6 गज चौड़ा है और नहीं समझे, और देखने में बहुत बड़ा है, बलवान है, बड़ी बात है। उसको चेहरा कभी नहीं देखी हुई थी। नहीं, इसीलिए राजकुमारी सोना को उदयचंद को चेहरा देख करके मूर्छित आ गई। और उदल भी सुनता था, जिसका नाम ना राजकुमारी सोना है। सोना है वह कैसे कैसी है, उसको सुंदरताएं देख करके ये भी मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई है तो क्या होगा? इसको क्या होगा? जो होगा सो उसी को होगा। होगा क्या? अब तो होगा तो फिर होगा। हाँ अरे है, है, है लड़की, क्या कीजिए? क्या कीजिए? क्या करो कर लेकिन जल्दी करिए ना, जल्दी करिए ना। हाँ, सच कहती हूँ, जल्दी कीजिए ना। क्या करवा रही? कान सब फोड़ दूंगी। सुनो है, मुंह फोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, हम दवाई करते। सुनो, तुमको फोड़ना है तो फोड़ देना, लेकिन हम फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे नहीं। सुनो, कहने की मतलब ये है पंडित, आपको दाए हाथ में एक कंगुरिया उंगली है ना? कंगुरिया उंगली में इसमें अमृत बस रहा है। हाँ, तलवार लीजिए और थोड़ा सा चीर करके उस पर छिड़क दीजिए, जिंदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही मैं भी करूँ। हाँ जल्दी कीजिए, चिरिए ना जल्द से। चीर रहे हैं? हाँ बस हो गया, बस। देखिए इसको क्या ऐसे ऐसे कहा करते हैं। अरे तेरी बहन, नींद तुम लोग पूरा नहीं होने दिया। आप तो मर गए हुए थे तो क्या क्या मर गए थे तो फिर कैसे मूर्छा गए थे आप? अच्छा मूर्छा गए, कब सोए मालूम है? नहीं हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप तो फाटक तोड़े, इतना ही जानते हैं। हाँ, फाटक तोड़ने की बात मैंने कुछ नहीं पहचान। हाँ कुछ नहीं पता चला। तो आपको कुछ नहीं पता चला, और उसमें के जो नारी लोग हम लोग को मारते मारते बदन को फोड़ डाला। इतने मोटे तगड़ा तुम लोग हो गया है? उसी पर आप जिस भाभी के लिए आए हैं ना। अच्छा, वो भाभी सामने बैठी हुई है। अच्छा, जाकर के प्रणाम कीजिए अथवा जो कहना है कीजिए। भाभी है? हाँ सामने बैठी है। हाँ प्रणाम भाभी। चुप चट्टा, चुप चट्टा। ऐसा क्यों? शादी हुई नहीं, शादी हुई नहीं, देवर और भाभी का रिश्ता लगाने के लिए आए हो? कब का मैं तुम्हारी भाभी, जब का तुम मेरा देवर? जब मैं कहूंगा। चुप चट्टा, बस कर। तो हम रहे ये कह रहा है, ये कह रही है। अरे मैं उसे जवाब दे रहा हूँ। चुप चट्टा, बैठ। भूल गई क्या? क्या? जब मैं कहूंगा तो भाभी सोना। एक कैसे? जब मैं कहूंगा तो भाभी सोना। कैसे? शादी हुई नहीं, देवर और भाभी का रिश्ता लगाने के लिए आए हो? अच्छा, कब का मैं तुम्हारी भाभी,
कब का तू मेरा देवर? याद नहीं है? कुछ ही याद नहीं है। चले कान खोलकर, जिस समय राजा सम्या ने तुम्हारी शादी के लिए सुंदर रचाया था, एकावन किला के अंदर टीका भेजा, किला एकावन का छत्री कोई नहीं टीका को थाम सका। मैंने बनबावड़ी जंगल में शिकार खेल रहे थे दोनों जोड़ी, उस समय छोटक ने वापस जा रहा था राज नैना, कुत्ताना की बातें कहा, वीर मर गए कावन किला का, बहनी रह गई बारी कुमार, मेरे बहन की जोग दुल्हा एक कावन किला में नहीं है। कान आवाज उदल को पहुंचा, आगे से मैंने घेरा, टीका को छीना, टीका छीन कर मैं अपने राज भाप्पा लेकर भैया आधा पर चढ़ाया, उस दिन से मैंने भाभी का नाता लगाया। क्या उसी रोज से? हाँ। हो का ही आओ कुशल याद बारा लिए मैया दे वाला के। आप समझ में आई ना? करे यही कुशल में ये दे बारी सुने भाई मुहब्बा का सिर हाय हो देवर बा मुहब्बा वाले देवर जी। हावी जी। आप अपने मुहब्बा का कुशल कहे, माँ देवला का कुशल कहे, आप अपने भाई का कुशल कहे, सही समाज का कुशल कहे। अच्छा, राज मुहब्बा का कुशल बहुत अच्छा है, माँ का जनता बहुत खुशी में रहा करती है, साथ साथ भैया जी बहुत खुशी में है, राजा और दांत मेरी बहन। सबसे पहले इन लोगों को बैठने का व्यवस्था करो, ये सब रखो यहाँ। सुनिए जी, कहो जी, सब सामान पूरा है, आप जूता खाइए। जूता कहो ना, जितना खाइए। हाँ, आप जितना खाइएगा उतना मैं खिलाऊंगी। बैठने का व्यवस्था करो, कुर्सी ले आओ मंदिर में से। अरे खाना की कुर्सी पर ऐसी डालने को बैठाओ। क्या क्या चीज सब हमको फरमा सुना दीजिए पहले। देखे हाँ, देखे क्या चीज देखे? सुनिए, दिखलाओ दिखलाइए। सुनने के लिए मैं कह रही हूँ। हमको हुआ दिखला रही, दिखलाइए क्या चीज दिखलाएगा। अच्छा एक बात है, आप बांसी बरैली हाँ का चावल है, ओहो, और अरहर मूंग का बना है दाल, बना कसौजी ओ परवल की, ओ नेमुअन का बना अचार, काले खसी का मीठ बना है, परे फुहारा ओ घीवन का, मन से खाई है ये सा। नाश्ता कीजिए, उसके बाद भोजन का व्यवस्था होगा, कोई चीज का कमी नहीं मेरे नैना के अंदर। ठीक है भाभी जी। भाई अभिनंदन, भाई अभिनंदन। चंगी महाराज, खाना खा लो। कौन खाना? हाँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। क्यों? ऐसा ही क्यों नहीं खाना खाओगे तुम? चंगी महाराज, या जब तक भाभी सोना मुझको साथ में बचन को नहीं देगी, अच्छा तो खाना तक नहीं खाऊंगा। पूछ ले भाभी से। क्या देवर जी, आप क्यों नहीं खाना खाते हैं? मैं खाना नाना के अंदर में नहीं खाऊंगा, इसलिए कि भाभी जब तक तुम बचन नहीं देगी तब तक मैं खाना हराम मैं समझता हूं।
आखिर पंडित काप जात है ना, पंडित लालची हुआ करते हैं, हो सकता है भोजन दक्षिणा भी आप मांगिएगा। मैं समझती हूँ, मैं भोजन दक्षिणा पूरे आश्रय दूंगी, भोजन कीजिए। नहीं, जब तक बचन को नहीं देगी भाभी तब तक मैं हराम मैं इस नाना की भोजन समझता हूँ। ठीक है देवर जी, गंगा क्रिया विशेषर क्रिया, ओ ठाकुर की चौक उठाऊं, जिंदा गंगा न मुझको मिले, मुला कहाँ करूँ अश्लान। देवर जी जो कहना है कहिए, सोना करने के लिए है तैयार। क्या तुम बचन तुमने दे दिया भाभी? हाँ। कहना यही है, यह तो वीर बलि शिवा इंद्र सिंह है। हाँ देवर जी, यह शिवा इंद्र सिंह को कोई सा वीर नहीं शहर को जुदा कर सकता है। भाभी ये तुम अपनी हाथ से शिवा इंद्र को शहर को काटो। अरे क्या कह दिया तुमने, क्या कह दिया तुमने? कुछ भी नहीं कहा जंगी महाराज। भाभी जी दे ये हाना, यही शादी में क्या कह दिया तुमने? कुछ नहीं कहा जंगी महाराज। आ दिया लगा दे क्या हुआ भाभी, क्या हुआ, क्यों रोने लगी, क्यों रोने लगी? कैसे सारा करते भैया हम, भैया जी के जा क्या कह दिया तुमने? परमात्मा लागे मिलते ही जाए, भैया सहद राना मिले दुनिया में। चले जाइए देवर जी यहाँ से, मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं भाभी कुमारी नैना के अंदर रह जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मैं भाभी जी, मैं अपने हाथ से अपने भाई का सर कभी नहीं काट सकती। क्या हो गया महाराज, क्या उनको कह दिया? क्या, मैं उसको कुछ नहीं कहा हूँ। अपने हाथ से वह सोना जो है ना, या उसको बोल दिए हैं कि कोई वीर नहीं शोभा इंद्र को शहर को काटेगा। ये सोना अपनी हाथ से शहर को शोभा इंद्र को शहर को जुदा करेंगे, इसका बाद मैंने भोजन करूंगा। इसीलिए रो रही है? हाँ महारानी सही कह रहा है पंडित, यदि आप अपने हाथ से अपने भाई का सर न काटेंगे तो आप जन्म का कुमारी ही रह जाइएगा, बुढ़ी बन जाएगी, केस पक जाएगा, दांत झर जाएगा, बदन का चाम लुढ़क जाएगा, लेकिन जन्म लिए हुए सब व्यर्थ हो जाएगा। स्त्री पुरुष का कुछ आप मर्म न जान सकेंगे, इसलिए आपका भाई के डर से कोई छत्री आपसे शादी न करेंगे। वह अपने हाथ से उनको सर काटिए, वो मरेगा तो आप शादी कीजिए, सब शादी हो सकता है, नहीं तो कुमारी ही रहना पड़ेगा। सोना देने लगी ललकार बेसक सर कटूंगी भैया को। सोना देने लगी ललकार बेसक सर कटूंगी। तो खाना खाइएगा। क्यों नहीं खाइए, मुंह में खाइए, मुंह में।